माइनक्राफ्ट में मेरा पहला घर था ये, फिर मैंने ये घर बनाया और आज हम इस घर को डिस्ट्रॉय करके बनाने वाले हैं एक एपिक कैसल। सो हेलो फ्रेंड्स क्लीज एंड वेलकम टू माय माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। तो दोस्तों आ चुका अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर और ये रहा हमारा बढ़िया सा घर। और गाइस अभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने कैसल को बनाने के लिए मुझे इस घर को तोड़ना पड़ेगा और यहीं पे मैं बनाने वाला हूँ कैसल। तो गाइस इस घर का आज हमारे गेमिंग चैनल पे लास्ट वीडियो है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस घर ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। तो यार टाइम मैं बिल्कुल विवाद नहीं करता हूँ, उस घर को तोड़ना मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी हमें काफी सारी चीजें करनी है और यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हम लोगों ने नीचे बना के रखी हुई है उन सबको मुझे तोड़ना है। तो कसम से यार बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और गाइस सबसे पहले मुझे इन सारी चीजों को तोड़ने के बाद ना इनको शिफ्ट करना पड़ेगा वहां कहीं पे। तो काफी सारे चेस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं जो कि नीचे है और उनमें ऑलरेडी सामान रखा हुआ है, तो उनका मैं यूज करने वाला हूँ। और जो भी सारा का सारा सामान ये है, मतलब जो भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उन सबको भी मैं वहीं पर रखने वाला हूँ। तो ये वाला फ्लोर भी गाइस हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। और यहाँ पर देखो यार जो हमारा एक्सपी फार्म है जिसको हम लोगों ने लास्ट पार्ट में रहा था, वो गाइस कितना ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं हो रहे हैं। वहां पे दूर कहीं पे मॉब्स काफी सारे स्पॉन हो रखे हैं बट यहाँ पे कोई भी नहीं हो गाइस, फैंटम का तो आता पता भी नहीं है। तो चलो ये चीज बढ़िया हुई। और अब यहाँ पे गाइस जाके हम लोग सो जाते हैं क्योंकि ये हमारी यहाँ पे लास्ट नाइट होने वाली है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सोऊंगा। वैसे यहाँ पे कोई मॉब्स नहीं आए तो मुझे कोई खतरा तो नहीं था। कौन है भाई साहब? अरे दरवाजा तो खोलो। खोलता हूँ। हेलो गाइस, तो देखो ये हम लोग का घर की हालत कैसी हो चुकी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ गाइस रूफ बची हुई है और जो वॉल्स है वो सारी की सारी गायब हो चुकी है। और गाइस जो भी चीजें हमने यहाँ पे अभी तक कलेक्ट करी है उनको जाके मैं वहां पे लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं एक्स्ट्रा तोड़ लेता हूँ जिनको मैं जल्दी से यहाँ पे आसानी से लेके जा सकता हूँ। तो गाइस अब फाइनली मेरी जो इन्वेंट्री यानी कि जो मेरी पॉकेट्स हैं वो पूरी की पूरी भर चुकी हैं। और अब मेरे पास यहाँ पे जो भी सामान है उसको मैं वहां पे जाके रखने वाला हूँ, या फिर मैं यार रॉकेट से भी जा सकता था बट कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे पैदल ही आ चुका हूँ। तो अब इतनी सी दूर के लिए मैं रॉकेट को यूज करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि रॉकेट जो है उसको बनाने में काफी सारी रिसोर्सेज लग जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो स्मूथ स्टोन्स है उनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यार मैंने यहाँ पे और भी सारे स्मूथ स्टोन्स बना के रखे हुए हैं, मतलब मुझे लगा था कि कैसल बनाऊंगा तो उसके लिए जो स्मूथ स्टोन्स है उनका यहाँ पे काम पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने बना लिए थे। बट यार मेरे पास यहाँ पे काफी ऑलरेडी आ चुके हैं अपने घर को तोड़ के। मेरे पास जो बेड है बेड को तो मैं यहीं पर डालता हूँ क्योंकि मुझे रात में सोने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मैं आके सो सकता हूँ आराम से। ओके तो चलो अब यहाँ से हम लोग जाते हैं। तो यार जितना भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था वो फाइनली मैंने वहां पे ले जाकर रख दिया है। और अब मैं ये जो प्लेटफॉर्म है इसको तोड़ना स्टार्ट कर सकता हूँ। बट उसके पहले यहाँ पे जो भी हमारे सारे के सारे पेट्स हैं मुझे उनको यहाँ से हटाना है और यहाँ से हटा के मुझे वहां पे ले जाना है, वरना ये लोग बेचारे यहीं पे अकेले फंसे रह जाएंगे और हम लोग वहां पे चले जाएंगे। तो अगर मैं उड़ के जाऊंगा तो देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ पाते हैं या नहीं। ओके ओके तो यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं सारे के सारे। तो चलो अभी ये चीज अच्छी हुई कि यहाँ पे कोई भी क्रीपर्स नहीं आएंगे। और गाइस यहाँ पे जो मैंने सारे के सारे शुगर केन लगा रखे थे वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तो अब मैं जल्दी से यहाँ से जाता हूँ और अपना जो ये वाला प्लेटफॉर्म है इसको अब मैं यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो यार एक घंटे की काफी ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद इसको मैंने पूरे का पूरा क्लियर कर दिया। और गाइस अब हम लोग फाइनली जो हमारे पास एनिमल्स है उनको यहाँ पे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस अब मुझे थोड़ी सी एक खतरनाक चीज करनी पड़ेगी क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम एनिमल्स है उनको मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को ट्रांसफर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो जो भी हमारे पास एनिमल्स है उनमें से तीन चार मैं बचाने दूंगा हर टाइप के, और बाकी के जो एनिमल्स है उनको यहाँ पे मार दूंगा। तो यार काफी सारे जो एनिमल्स थे उनको मैंने मार दिया गाइस, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो फेंसेस थी मैं उनका यूज करके यहाँ पे एक छोटी सी जगह बना देता हूँ। ओके तो गाइस अब मैं जल्दी से यहाँ पे एनिमल्स के पास जाता हूँ और लीड से जितने भी एनिमल्स मैं पकड़ के लेके आ सकता हूँ मैं लेके आता हूँ। आई थिंक यहाँ पे जो दो काउज है ये आ जाएंगी, दो नहीं तीन है। ओके ओके सो यार यहाँ पे जो भी एरिया है उसको मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया और मुझे लगा था कि इसको शायद मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स में निपटा दूंगा, बट कसम से मुझे इसमें तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका है, 1.5 घंटे से भी ज्यादा लग चुका है, 1 आवर 45 मिनट्स। अब फाइनली मैं यहाँ पे अपना जो कैसल है उसको बनाना स्टार्ट करता हूँ और उसके पहले मैं जाके यहाँ पे सो जाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग अपना कैसल को बनाना स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैं बनाने वाला हूँ दरवाजा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड इस तरफ भी 1 2 3 4। तो गाइस ये हमारे कैसल का एंट्रेंस होने वाला है और यहाँ पे गाइस मैं बनाने वाला हूँ काफी बढ़िया सा दरवाजा। तो यहाँ पे मुझे इसकी जो हाइट करनी है वो करनी है 3, तो 1 2 एंड 3। और यहाँ पे मुझे सेम करना है बट इस टाइम मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के इसके साथ जाने वाला हूँ।
तो गाइस ये काफी सही लग रहा है। और अब सेम चीज मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा दरवाजा होने वाला है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। तो गाइस ये इस तरीके से होने वाला है, और यहाँ पे मैं इसको इतना ब्रॉड इसलिए बना रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना है गेट जो कि ऑटोमेटिक होने वाला है। बट अभी मैं उसको नहीं बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ कैसल बनाऊंगा, बट जो हमारा गेट होगा उसको मैं बाद में पक्का बनाने वाला हूँ। तो गाइस हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है, बट इसके बाहर मैं काफी ज्यादा बढ़िया चीज बनाने वाला हूँ, और वो बनने के बाद ये कसम से बहुत ज्यादा डेंजर लगने वाला है। तो अभी आप बस देखते जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो मुझे इसको 10 करना था, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ एक स्टेयर इस तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से हो चुका है, और सेम चीज गाइस मुझे इस तरफ भी करनी है। तो ये चीज गाइस हम लोगों ने काफी तगड़े तरीके से कर दी, और यहाँ पे गाइस अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है। तो गाइज ये हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, और ये दो ब्लॉक्स हैं अभी यहाँ पे छूट चुके हैं, बट कोई बात नहीं, उनको अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो इनको यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। और गाइज अब ये वाला जो पार्ट था ना, मुझे इसके ऊपर बनानी है एक वॉल, तो मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, और यहाँ से मुझे उसको शुरू करना है। और गाइज ये वाली जो वॉल है यहाँ पे हम लोग उसे एक पैटर्न देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके जो हम लोगों ने ब्लॉक्स छोड़ रखे थे उनको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये जो वॉल है ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो रहेगी, हाँ तो इतना ये रहने वाली है। और ये जो वॉल है ये पूरी की पूरी उस तरफ भी जाएगी, तो यहाँ पे भी मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ से ये जाएगी यहाँ की तरफ। और गाइस इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ दूसरे कलर के ब्लॉक्स, और मेरे पास यहाँ पे पॉलिश डीप सेट था। हाँ जी बिल्कुल था, क्यों नहीं था, हम लोग लेके आए थे। और सबसे पहले मुझे उसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगाना है, एंड यहाँ पे लगाना है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे हम लोग डीप सेट के ब्रिक्स लगाने वाले हैं, तो इससे काफी बढ़िया वाला पैटर्न आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जाके थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। ये वाला जो पार्ट है, अरे गाइस यहाँ पे विच आ रखी है, और ये पक्का मुझे कुछ इफेक्ट देने वाली है। ओ, इसने कुछ मारा, इसने कुछ मारा, मुझे मारेगी, तू मुझे मारेगी, मेरे घर पे आके मेरा गेम बजाएगी। बस मुझे यहाँ पे जाके इसको ठीक करना था, तो मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको तोड़ता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं डीप सेट लगाने वाला हूँ, और ये बाहर से देखने से काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो गाइस अब मुझे यहाँ पे वॉल्स का काम करना है, तो सबसे पहले मैं ये वाले ब्रिक्स लगाता हूँ, और इसके बाद गाइस जो मुझे यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखनी है वॉल की वो होगी 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब यहाँ से आके वो जुड़ने वाली है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, और इतनी दूर तक हमारी जो वॉल है वो आने वाली है। तो यार ये दोनों वॉल जो है इनको मैंने पूरी तरीके से बना दिया, और अब ये वाली जो वॉल है मुझे यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है इस तरफ, और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ टावर। तो इसकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 11, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओके, तो इतना होगा। और इसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे बनाना है टावर, तो जो टावर होने वाला है उसकी चौड़ाई होगी 5, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और गाइस इसके बाद टावर जो होगा उसको मैं इस तरीके से बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ही 5 करना है, और यहाँ पे ही 5 करना है, और ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बनाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे मुझे हर तरफ लगानी है स्टेयर्स। और अब अपने टावर्स को मैं बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जो इसका बेस होगा वहां पे तो मैं इस तरीके से 5 लगाऊंगा, और उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं बीच में जगह छोड़ने वाला हूँ, और यहाँ पे अंदर से मैं काफी तगड़ी वाली डिजाइन देने वाला हूँ। तो इसकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 14, तो यहाँ पे मैंने एक तो लगा दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो ये गाइस कुछ इस तरीके से होने वाला है। और इसको आगे बढ़ाने से पहले अपनी जो वॉल है मैं उसको बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो ये वाला पार्ट है ना इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो ये ब्लैक वाली पट्टी है वो बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे आए। तो इसलिए मैं पहले वॉल बनाऊंगा, उसके बाद जो अपना टावर है उसका काम स्टार्ट करने वाला हूँ। और राइट, तो गाइस जो वॉल है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है, और अब मुझे यहाँ पे नीचे जाना है, और अपना जो टावर है अब इसको यहाँ पे डेकोरेट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे गाइस मुझे सबसे पहले लगाना है एक डीप स्लेट का ब्लॉक, रुको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जंप करता हूँ, इसके बाद लगाता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो ब्लैक वाला ब्लॉक है वो इसके बिल्कुल सीध में आ चुका है, और यही सेम चीज मुझे इस तरफ भी करनी है। तो गाइस अब मुझे यहाँ पे स्मूथ स्टोन्स का यूज करना है। अबे स्मूथ स्टोन्स मैंने लगाया तो थे बट वो लगे नहीं ढंग से, चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाने हैं स्टोन के ब्लॉक्स कुछ इस तरीके, ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ। और गाइस ये वाला जो पार्ट है इसमें ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे गाइस मैं लगाने वाला हूँ आयरन बार्स कुछ इस तरीके से, तो काफी ज्यादा बढ़िया वाला पैटर्न यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं 2 ऊपर जाता हूँ, फिर यहाँ पे लगाता हूँ, और इसके बाद आयरन बार्स को मैं यहाँ पे बीच में लगाता हूँ। और यहाँ पे बीच में लगाने वाला हूँ लीव्स, ताकि गाइस हमारा जो घर है उसमें काफी ज्यादा बढ़िया सा लुक आए। बट उसके लिए मुझे चाहिए पड़ेंगी शीयर्स, क्योंकि शीयर से ही हम लोग लीव लेने जाने वाले हैं। तो शीयर आई थिंक मैंने इसके अंदर रखे थे, हाँ जी ये रखे हुए हैं। और जो मेरे रॉकेट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया था। तो जल्दी से मैं यहाँ से उड़ते हुए जाता हूँ और लीव्स को लेके आता हूँ। गाइस यहाँ पे काफी सारी लीव्स मुझे मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा पीछे से काटता हूँ ताकि आगे वाले जो पेड़ है वो बिल्कुल बढ़िया से रहे। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्थ को मैंने डैमेज कर लिया है, तो काफी ज्यादा लीव्स मैं ले लेता हूँ। तो आई थिंक इतने में मेरा काम हो जाने
आने वाला है, तो चलो जल्दी से यहाँ से अपने घर चलते हैं। चल बेटा। और गाइस यहाँ पे मुझे अपने पुराने वाले घर की अभी थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है, बट जो हमारा कैसल होने वाला है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालनी है स्कैफोल्डिंग। ये रही स्कैफोल्डिंग, और शेर को मैं यहाँ पे साइड में लगाता हूँ। और राइट, तो गाइज यहाँ पे मैं इस तरीके से लीफ लगाने वाला हूँ, और वॉल को मैं यहाँ पे साइड में लगाता हूँ, और जो मेरे पास आयरन बार्स थे उनको गाइज मैं यहाँ पे बीच में लगा दूंगा। तो काफी बढ़िया सा यहाँ पे एक पैटर्न लगने वाला है कुछ इस तरीके से। आई थिंक गाइज ये काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। और अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और जाना है, तो मैं इसके फोल्डिंग्स को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और गाइज यहाँ पे मुझे यूज करना है डीप स्लेट की स्टेयर्स, और यहाँ पे लगाना था, और बीच में यहाँ पे मुझे लगानी है स्लैब। तो ये काफी मस्त लग रहा है। तो यार मैंने यहाँ पे टावर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, और अब मुझे यहाँ से जाना है ऊपर। और गाइज जो टावर का ऊपर वाला पार्ट होता है वो मैं बनाने वाला हूँ, और उसका गाइज मैंने काफी बढ़िया सा एक पैटर्न सोच के रखा हुआ है। बट एक बार मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो बनने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि जब मैंने इसको सोचा था तो वो बढ़िया लग रहा था, और ये मैंने पता नहीं क्या बेवकूफी करी है। तो गाइज मैं दोबारा से यहाँ से ऊपर जाता हूँ और इसको लगाता हूँ, और मुझे लग रहा था कि ये टेढ़ी लगने वाली है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जो स्कैफोल्डिंग है मैं उससे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। तो गाइस ये अब बिल्कुल सही हो चुका है, और यहाँ पे मुझे इसको इस तरीके से लगाना है, और ये मुझे यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। एंड आई थिंक गाइस ये काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है, और स्कैफोल्डिंग को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे ऊपर पहुंच जाऊँ। और इसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे इस तरीके से जो ब्रिक्स है उनको लगाना है, और इनको भी मैं लगा देता हूँ। और गाइस इसके ऊपर मैं काफी बढ़िया सा पैटर्न देने वाला हूँ। रुको मैं यहाँ पे पहले स्कैफोल्डिंग को और लगा दूँ, वरना पता चला मैंने यहाँ से जंप मारी और मैं नीचे गिर गया। वैसे गाइस मैं अपने इलेक्ट्रा का भी यूज कर सकता था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ डीप स्लेट की स्टेयर्स इस सर पे, और इसको मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगाना है। ओके गाइस, तो ये वाला टावर हमारा पूरी तरीके से बन चुका है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे और इसके अंदर की तरफ थोड़ी सी जाके टॉर्चेस लगा देनी चाहिए, सॉरी लैंटर्स लगा देनी चाहिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे स्कैफोल्डिंग्स है उनको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं ऊपर जाऊंगा और काफी सारी लैंटर्स को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, इसके बाद गाइस मैं चेन्स लेके आया था, तो चेन्स को मैं निकाल लेता हूँ, और चेन को मैं लटकाता हूँ यहाँ पे। रुको, चेन को लटकाता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे एक लैंटर लटका देता हूँ, और इसको तोड़ना है एंड इसको तोड़ना है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे दो चेन्स लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसके नीचे मैं फिर से लगाने वाला हूँ लैंटर। तो ये गाइस हमारा जो टावर है उसका काम कंप्लीट हो चुका है, बट इस टावर के ऊपर मुझे लगता है कि मुझे कैंप फायर लगानी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया धुआं निकलेगा और वो काफी ज्यादा मस्त लगेगा। तो यार कैंप फायर मैं लेके आ चुका हूँ, और अभी मुझे यहाँ पे ऊपर जाना है, और गाइस इसके ऊपर सबसे पहले जाके मुझे इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे ये खाली है, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ जंप। ऑलराइट ब्रो, तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, और यहाँ पे भी मुझे लैंटर लगाने की जरूरत है, बट उसको मैं लगा दूंगा अभी, इसको मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। और गाइस अब यहाँ पे मुझे जो नेक्स्ट वाला टावर है उसका काम स्टार्ट करना है, बट यहाँ पे मुझे काफी बढ़िया वाली वॉल बनानी है जिसकी लेंथ होगी 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऑलराइट गाइस, तो ये वॉल का काम मैंने कंप्लीट कर दिया, और अब ये वाला जो टावर है इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 9। तो 1, 1, 2, 3, 4 एंड इसके बाद 1, 2, 3, 4। तो एक बार मैं इसको काउंट कर लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, और इसकी जो चौड़ाई होने वाली है वो उससे भी ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक लगाने हैं एक्स्ट्रा, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक लगाया था, और इस तरफ भी गाइस मैं दो लगाने वाला हूँ। तो गाइस इस स्टेज से काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और अब जो टावर है उसको बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस टावर को बनाने में कसम से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है। तो गाइस ये वाला टावर को मैंने काफी हद तक कंप्लीट कर दिया, और अगर इससे साइज कंपैरिजन करो तो ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और गाइस अभी इसमें काफी ज्यादा कुछ बचा हुआ है करने के लिए, मतलब यहाँ पे मुझे बीच में डिजाइनिंग देनी है। तो ये वाला जो टावर होगा वो यहाँ पे बंद होगा, और यहाँ पे बंद होगा, और इस तरफ से और इस तरफ से खुला होगा, क्योंकि गाइस ये वाला जो पार्ट है ये हमारा खुला होने वाला है, और यहाँ पे मैं एक वॉल बनाने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी डिजाइनिंग रहेगी बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने रखी हुई है। और यहाँ पे बाई मिस्टेक आई थिंक मैंने इसको लगाना छोड़ दिया था, तो कोई बात नहीं, मैंने उसको जल्दी से वहां पर जाके लगा दिया। और गाइस उसी तरीके से जैसे मैंने उस टावर में किया था, मुझे यहाँ पे भी डिजाइनिंग देनी है, और के बाद नीचे मुझे लगाने हैं स्लैब्स।
ऑल राइट गई, तो इस काम को मैंने निपटा दिया और अब मैं थोड़ा सा दूर जाके देखता हूँ कि ये लक कैसा रहा है। यार बुरा नहीं लग रहा है, काफी मस्त लग रहा है। और हाँ, आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि गाइस जो मैंने पहले लीव्स लगाई थी वो मैंने यहाँ पे लगाई थी, तो इनको मैंने यहाँ से तोड़ के ऊपर की तरफ कर दिया और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लेंटस लगाई है वैसे ही सेम तरीके से मैं लेंटस यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ। तो गाइस अभी सबसे पहले जैसा कि मैंने इसको बनाया वैसे मुझे पीछे जाके इसको भी कंप्लीट करना है। तो यार ये वाली चीज भी मैंने कंप्लीट कर दी और ये काफी ज्यादा धांसू वाला लुक दे रहा है। और गाइस अभी मुझे एक आइडिया है कि यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं आयरन बस लगा दूंगा तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन लगने वाला है। अभी मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आया कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। तो गाइस ये देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया ऐसे ही मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूंगा और यहाँ पे भी टॉप पे लगा दूंगा। फिलहाल मैं नीचे जाके लगा देता हूँ और जब मैं यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगाऊंगा किसी काम के लिए तो मैं इसको ऊपर भी जाके लगा दूंगा। और यहाँ पे अभी मुझे लेंटेस भी लगानी है, तो एक काम करता हूँ मैं स्कैफोल्डिंग लगाता हूँ यहाँ पे जल्दी से और इस काम को मैं निपटाई देता हूँ वरना ये परमानेंटली छूटे रह जाएगा। तो ये गाइस अब फाइनली टावर हमारा कंप्लीट हो चुका है और यही सेम चीज मुझे इस तरफ भी करनी है, तो मुझे फिर से यहाँ पे इसके फोल्डिंग्स लगानी पड़ेगी और जो हमारे पास आयरन बार्स थे मुझे उनको यहाँ पे लगाना है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा घपला करा है पैटर्न बनाने में, क्योंकि ये जो है इसको मुझे यहाँ पे लगाना था और आयरन बार्स जो होने थे वो यहाँ पे अंदर की तरफ आने थे, तो मैं इसको बाद में ठीक करूंगा। फिलहाल मैं ऊपर जाके इसका जो टॉप वाला पार्ट है उसको जल्दी से बनाता हूँ। तो यार इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया बट काफी ज्यादा मस्त बना हुआ है। और गाइज यहाँ पे मैंने इस तरीके से इन लैंडर्स को भी लटका दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेन का यूज किया है, तो इससे ये काफी बढ़िया सा लुक आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखो तो ये लाइन से जो चार लैंडर्स है वो काफी बढ़िया लुक दे रही है और यहाँ पे भी वही सेम चीज है। और गाइज इसको तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अब गाइज मुझे इसके ऊपर जाके यहाँ पे भी लगानी है कैंप फायर। अब हमारे कैसल का थोड़ा सा तगड़ा वाला लुक आना स्टार्ट हो चुका है और गाइस यहाँ पे भी मुझे नीचे टॉर्चेस लगाने की जरूरत है और यहाँ पे भी लगाने की जरूरत है। The next day. और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके देखूँ तो जो लुक है वो ज्यादा तगड़े तरीके से समझ में आने वाला है और ये जो हमारा कैसल है वो पूरा यहाँ तक आएगा। तो गाइस अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो टावर है ये और ये जो हमारी वॉल है ये सारा का सारा बनाता हूँ। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो बनाने के बाद मैं आपको मिलूंगा। एंड गाइस फाइनली मैंने टावर्स बना दिया, उसको बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी कि मेरे कपड़े भी चेंज हो गए। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। गल गाइस इसको बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि मैं आराम से चद्दर उठ के सो गया और आज मैंने गाइस दोबारा से इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया और मैं आपको टावर दिखाने वाला हूँ। बट उसके पहले मैं आपको एक और ज्यादा कूल चीज दिखाने वाला हूँ, तो देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करूंगा जंप और मैं यहाँ से उड़ूंगा और गाइस ये रहा हमारा कैसल। बट ये मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसके आपको एक और बढ़िया सी चीज दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से अपन घूमते हुए दूर से जाएंगे, इसके बाद उड़ते हुए सुपरमैन की तरह यहाँ पे नीचे आएंगे और मुझे इसके अंदर से निकलना है। Yep. तो मैं आपको गाइस यही दिखा रहा था और ये रहे हमारे सारे के सारे टावर्स। यहाँ पे बेसिकली चार टावर्स मैंने बना दिए, 1, 2, 3, 4। और गाइस इन टावर्स के ऊपर मैंने काफी सारी यहाँ पे कैंप फायर्स भी रख दी है, पहले थोड़ी सी कम थी और अगर आप अब दूर से देखोगे कुछ इस तरीके से तो गाइस आपको काफी तगड़ा वाला मतलब काफी सारा स्मोक यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। और गाइस इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पे काफी सारी लेंटर्स जो है उनको लगा डाला। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इतनी सारी लेंटर्स पहले नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे काफी सारी लेंटर्स लगा दी है, यहाँ पे भी लगा दी है, यहाँ पे भी लगा दी है, बेसिकली हर जगह लेंटर्स मैंने लगा दिए। और जो हमारा एंट्रेंस था गाइस उसके बाहर भी मैंने काफी सारी लेंटर्स को यहाँ पे लगा दिया है। और गाइस अभी मुझे ये वाला एरिया जो है इसको बनाना है, बट उसके पहले मैं सारा का सारा बना लूं, उसके बाद मैं इस पे ध्यान दूंगा। और ये बेचारा हमारा डूगो यहीं पे बैठे बैठे हमारा तब से वेट कर रहा है। और इसके अलावा गाइस मैंने क्या किया, हाँ इसके अलावा गाइस मैंने सारे की सारी तरफ यहाँ पे जितनी भी बाउंड्रीज थी उनको बना दिया, तो बेसिकली ये एक तरीके से लेआउट हो गया हमारे कैसल का। और गाइस अभी मुझे यहाँ पे पीछे की तरफ भी एक गेट बनाना है, मतलब हमारे कैसल में हम लोग चार तरफ से एंटर कर सकते हैं, सामने से, यहाँ से एंड इसके अलावा लेफ्ट और राइट से भी। तो गाइस जो लेफ्ट वाला गेट होने वाला है और जो राइट वाला गेट होने वाला है वो दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं, और जो हमारा पीछे वाला गेट होने वाला है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है आगे वाले से। बट गाइस ये उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा जितना आगे वाला है, तो अभी मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूं, इस वाले गेट को मतलब पीछे वाले गेट को, और ये वाला गेट मैं उसके बाद बनाऊंगा। तो सबसे पहले अपन को यहां पे जाना है और इस गेट के लिए मतलब जो एंट्रेंस वाला पार्ट है मुझे उसको बनाना है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पे बीच में एक 7। इसके बाद गाइस यहां पे मुझे इसको करना है 4, तो 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे 5 भी लगा देते हैं और इसके बाद मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और इसके बाद गाइस मैं इसको यहाँ पे तोड़ दूंगा और अब मुझे यहाँ से नीचे करनी है जंप और सेम चीज मुझे जाके इस तरफ भी करनी है। तो गाइस ये हमारा गेट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे इसके अराउंड काफी सारी चीजें बनानी है, मतलब तगड़ा लगना चाहिए ना। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले जाने वाला हूँ, थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे भी और इसके पीछे नहीं, यहाँ पे रहेगा। और गाइस अब ये वाली चीज हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से बना डाली है और अब मुझे इसके अराउंड एक काफी बढ़िया सी डिजाइन देनी है।
तो गाइज गेट का जो लेआउट है वो मैंने बना दिया और अब इसको मैं डेकोरेट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लगाने हैं दो ब्रेक्स, यहाँ पे एक लगाना है और यहाँ पे नीचे मुझे लगानी है स्लैब। और गाइज यहाँ पे मेरे पास है टाइल वॉल, तो गाइज उसका मैं यूज करता हूँ और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे। और गाइज इसके ऊपर अगर मैं लेंटर लगा दूंगा तो काफी मस्त लगेगा, है ना गाइज, तो काफी बढ़िया सा लुक दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कैंप फायर लगा दूंगा तो यार वो भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि गाइज हम लोग ऊपर की तरफ भी काफी सारी कैंप फायर लगा रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इससे बढ़िया वाला लुक आएगा। आई थिंक गाइज ये काफी बढ़िया लग रहा है। और इसको अभी मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे भी सेम चीज करनी है जैसा कि मैंने वहां पे बनाया। तो गाइज दोनों तरफ मैंने सेम कर दिया और अब यहाँ पे साइड वाली डिजाइन को मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगाने स्टेयर्स, इसके ऊपर ब्लॉक एंड यहाँ पे स्टेयर एंड इसके नीचे एक स्लैब लगाने वाला हूँ। और गाइज इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं काफी सारी स्टेयर्स कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे रहेगा ये एंड ये यहाँ पे रहेगा। तो गाइज ये काफी बड़ी डिजाइन आ चुकी है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेयर लगा दी थी जो बाउंड्री लाइन थी वो बनाने के बाद। और गाइज अब सेम तरीके से मुझे इस तरफ भी करना है। ओके तो ये भी हो चुका है और गाइज अब यहाँ पे मैं काफी सारी लेंटर्स को लगाने वाला हूँ। तो गाइज ये वाली चीज हो चुकी है और अब ऑब्वियसली यही सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करनी है। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे मैंने लेंटर्स लगा दिया और गाइज अंदर यहाँ पे क्रीपर वगैरह स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके पहले कि कोई मुझे यहाँ पे आके उड़ा डाले मैं सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, फिर से सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग यहाँ पे काम कर ही जा रहे हैं गाइज, काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है इसमें। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से ऊपर जाता हूँ और गाइज इसके ऊपर हमें काफी बढ़िया वाली डिजाइन बनाने वाला हूँ। तो अपन को मारनी यहाँ से जंप। और गाइज यहाँ पे मैंने छोटू सी एक गलती करी थी, तो यहाँ पे मुझे लगाना था गाइज टाइल वाला ब्लॉक, मतलब जो डीप स्लेट टाइल होता है वो मेरे को लगाना था और यहाँ पे अपन ने लगा दिया था ब्रेक, तो उसको तोड़ के मैं लगाता हूँ यहाँ पे टाइल। और क्यों दो लगा रहा है, एक ही लगाना था। और अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे लगाने स्टोन ब्रेक। ओके तो गाइज ये हो चुका है और अब इसके ऊपर गाइज मुझे लगाने हैं डीप स्लेट के ब्रिक्स। और इसके ऊपर अपन काफी बढ़िया सा पैटर्न देने वाले हैं, जैसा कि ये सब दे रखा है ना वैसे ही कुछ टाइप का मैं यहाँ पे पैटर्न देने वाला हूँ। और गाइज अब सबसे पहले मुझे यहाँ से मानिए जंप और इसके बाद गाइज मुझे वो वाली जो वॉल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अपन यहाँ पे उड़ के आराम से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और गाइज यहाँ पे अपन डीप स्लेट के जो ब्रिक्स हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक गाइज मुझे पहले नीचे वाली लाइन जो है इसको बना लेना चाहिए और उसके बाद मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, इसके बाद जो गाइज काले वाले ब्लॉक्स है उनको लगाऊंगा और उसके बाद जो पूरी की पूरी वॉल है उसमें भी मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न देने की सोची है तो वो भी दूंगा। ओके गाइज तो ये वाली वॉल मैंने पूरी तरीके से बना डाली है बट इसके ऊपर भी मुझे इस तरीके से डिजाइन देनी है। और गाइज ये वाला पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा था कि अगर पूरी की पूरी ब्लैंक वॉल रहेगी तो काफी ज्यादा अजीब सी लगेगी। और यहाँ पे मैंने इसको अंदर से कवर कर दिया स्मूथ स्टोन ब्लॉक से, क्योंकि गाइज मेरे पास काफी सारे पड़े हुए थे। और अभी मैं यहाँ पे ऊपर जाके ये वाली जो डिजाइन है मैं इसको बनाने वाला हूँ। और गाइज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारी रूफ होगी हमारे कैसल की उसको मैं ब्रिक्स से बनाऊँ या फिर स्मूथ स्टोन से बनाऊँ, क्योंकि गाइज मेरे पास ब्रिक्स अभी ज्यादा बचे नहीं है, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बट गाइज मुझे लगता है कि मुझे स्मूथ स्टोन का यूज करना चाहिए क्योंकि गाइस मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं और अगर मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया तो बेसिकली रखे रह जाएंगे। ऑलराइट गाइस तो इस वॉल को मैंने बना दिया और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऊपर लेंटर्स भी लगा दिए और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर भी यहाँ पे मैं लेंटर लगा दूंगा तो कैसी लगेगी यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो अभी यार ये बढ़िया लग रहा है और इसके ऊपर भी यहाँ पे मैं एक लैंटर लगा सकता हूँ बट वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। और यहाँ पे गाइज ये वाली जो बॉल है मैं इसको बना के आपसे मिलता हूँ। तो गाइज ये अब पूरी तरीके से बन चुका है। ओके तो गाइज ये काफी बढ़िया सा लग रहा है और क्या मैं इसके अंदर से निकल सकता हूँ नाइस। तो गाइज अब हम लोग ये वाले गेट का काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे गाइज मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी हुई है जैसा कि मैंने वहां पे करी थी, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे लगाना है 1, 2, 3 एंड 4। तो गाइज मुझे यहाँ पे बीच में एक गैप छोड़ना है और इसके बाद यहाँ पे मुझे और ज्यादा डीप स्लेट के ब्रिक्स लगाने हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे अंदर मैं काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन देने वाला हूँ। I'm sorry, guys, तो ये बन चुका है और अभी मुझे एक चीज समझ आई है कि मुझे यहाँ पे इसको तोड़ना चाहिए और यहाँ पे गाइज मेरे को लगानी चाहिए स्लैब्स। वो वाला मैंने शायद गलत तोड़ दिया, हाँ तो उसको मैंने गलत तोड़ दिया। बट यहाँ पे मुझे गाइज बीच में स्लैब्स लगाने की जरूरत है तो मैं उसको बाद में लगाऊंगा। सबसे पहले गाइज मुझे यहाँ पे ऊपर जाके लेंटर्स लगानी है कुछ इस जगह पे। ओके तो गाइस ये वाली चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे गाइस मैंने काफी सारी लेंटर्स लगा दी है। तो अब देखो यार अब बताओ गाइस कि अब कैसा लग रहा है आपको? ये अब लग रहा है ना कूल? और गाइस यहाँ पे भी मुझे जाके लेंटर्स लगा देनी चाहिए क्योंकि गाइस यहाँ पे भी अंधेरा होगा तो एक लेंटर तो यहाँ पे लगनी चाहिए। तो अपन को पहले यहाँ से शायद ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे लग जाएगी ना, इतनी जगह तो है। और यहाँ पे लग जाएगी एंड यहाँ पे लग जाएगी। ओके और गाइस अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं डिजाइन। तो यहाँ पे मुझे लगाना है, यहाँ पे लगाना है और मेरे पास वो कांगी, अबे स्टेयर्स कांगी, स्टेयर्स को क्यों हटा दिया भाई तू ना। ओके यहाँ पे एंड यहाँ पे रहेगी स्लैब्स।
तो ये बढ़िया लग रहा है। और गाइज यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ लैंटर्न, और सेम चीज गाइज मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओके गुड, बढ़िया डिजाइन आई है। और अब मैं इसको तोड़ता हूँ, और गाइज यहाँ पे मुझे काफी सारी स्टेयर्स लगा देनी है ताकि अपन बढ़िया तरीके से अंदर जा सके। ऑलराइट गाइज, तो ये वाली चीज कंप्लीट हो चुकी है, बस यहाँ पे मुझे ऊपर डिजाइनिंग देनी है। बट उसके पहले जो अपनी वॉल्स है मैं उनको बनाता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे लगानी है लैंटर्न। और गाइस आई थिंक ये बन के कंप्लीट हो चुका है। ओ और गाइस पीछे से मून निकल रहा है यार, इससे परफेक्ट ज्यादा टाइमिंग हो ही नहीं सकती थी यार, क्या सही लग रहा है। एक मिनट को अब देखो गाइस क्या तगड़ा वाला लुक आ रहा है यार। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ। माय गॉड गाइज कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। मतलब मुझे पता है कि ये गेम है, बट फिर भी देखो आप क्या तगड़ा वाला यहाँ पे लुक आ रखा है। मतलब भगवान ने भी क्या परफेक्ट टाइमिंग दी है। और अगर मैं यहाँ से जंप मारूंगा, मतलब यहाँ से ऊपर से उड़ के देखूंगा और थोड़ा सा दूर जाता हूँ, वाओ वाओ मैन, मतलब गाइज मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है। और यार जितना अच्छा मैंने इसको बनाने का सोचा था उससे ज्यादा अच्छा बना हुआ है ये। मतलब जो मेरा फ्रंट वाला गेट है मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा अच्छा बनने वाला है। बट गाइस अगर यहाँ से देखो तो हमारा जो कैसल है वो ऐसा लग रहा है कि यही उसका फ्रंट है। और यहाँ पे गाइस हमारा जो फ्रंट वाला डोर है, मतलब फ्रंट वाला जो गेट है, वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। और गाइस हमारा जो पीछे वाला गेट है वो आई थिंक इन सब में सबसे ज्यादा वीक लग रहा है। बट अगर मैं यहाँ से देखूं तो गाइस ये भी कुछ कम नहीं लग रहा है। यार आप बताओ कि आपको जो हमारा बैक वाला गेट है, यानी कि ये वाला जो गेट है, या फिर जो हमारा फ्रंट वाला गेट है वो, या फिर गाइस जो अभी हम लोगों ने बनाया है वो, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है। मैं तो यार हैंड्स डाउन मेरा तो यही वाला फेवरेट होने वाला है। आपका जो भी फेवरेट हो आप नीचे कमेंट में लिख के पक्का बता देना। और आपने अगर मेरा ये वाला क्रीपर नहीं देखा है तो आपको मैं जाके दिखा देता हूँ। वैसे गाइस इस क्रीपर के ऊपर क्या मैं लैंड कर सकता हूँ। ओके। और गाइस यहाँ से हमारा जो घर है वो देखने से काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस जैसा कि गेट अभी हम लोगों ने वहां पे बनाया था, वैसे ही गेट अभी मुझे यहाँ पे बनाना है। तो ये मैं बनाता हूँ और ये बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और अभी मैं अपना बेड जो है उसको यहाँ पे के सो जाता हूं। और गाइस ये वाला जो पहाड़ है ना, यहां पे मेरा पुराना वाला घर है, क्या मैं आपको जाके दिखा सकता हूं, आप देखना चाहोगे? तो गाइस ये वाला जो घर है ये मेरा सबसे पहला घर है जब मैंने माइनक्राफ्ट में स्टार्टिंग करी थी, तो सबसे पहला घर गाइस मैंने यही बनाया था। और आई थिंक इस घर के अंदर भी कुछ कुछ सामान अभी तक रखा होगा जो कि मैं कभी भी लेने के लिए नहीं आया। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे इतना सारा खाना वाना रखा हुआ है और ये मैं लेने के लिए पता नहीं क्यों नहीं आया। और यहाँ पे भी गाइस काफी सारी चीजें रखी हुई है। यार ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि गाइस उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो कुछ भी चीजें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो गाइस अभी मैं अपना जो बेड है यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे जाके सोता हूँ। क्या मैं यहाँ पे ढंग से लैंड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे जाके अभी सोता हूँ और सुबह आपको इसको बनाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये वाला गेट भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, ऑब्वियसली उतना ही अच्छा लग रहा है जैसा कि वो लग रहा था। और गाइस मैंने बस यहाँ पे एक चीज चेंज करी है, मैंने यहाँ पे काफी सारी लैटिस को ऊपर लगा दिया और मैंने ऑब्वियसली वहां जाके भी लगा दिया। और गाइस अभी मैं जाके बनाने वाला हूँ रूफ। और यार रूफ बनाने में कोई ज्यादा दिमाग तो नहीं लगना चाहिए, बट यार टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। और गाइस मुझे आप लोग से एक हेल्प चाहिए, मुझे बेसिकली ये हेल्प चाहिए कि जो कैसल का ऊपर वाला एरिया है वो तो मैंने बना दिया, मतलब आज मैं पूरा का पूरा इस कैसल कंप्लीट कर ही दूंगा। बट यार जो इसके अंदर की डेकोरेशन है, जो भी डिफरेंट टाइप के रूम्स हैं, आप लोग सजेस्ट करो कि क्या क्या मुझे बनाना चाहिए। वैसे मेरे दिमाग में ऑलरेडी काफी सारे आइडियाज हैं, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट यार आप लोग कुछ सजेस्ट करो और कुछ बढ़िया बढ़िया से चीजें आप लोग बताओ। और यार अभी एक चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं अपने रूफ को बनाने के पहले यहाँ पे काफी सारी टॉर्चेस लगा देता हूँ, क्योंकि गाइस अभी यहाँ पे जो भी मॉब्स स्पॉन हो रहे थे वो आराम से बेचारे यहाँ पे स्पॉन होते थे और डिस्पॉन हो जाते थे, मैं बाहर काम करता था। बट यार अब जो स्पॉन होंगे वो दिन में भी स्पॉन होंगे और मुझे यहाँ पे परमानेंटली काम करना है, तो अगर यहाँ पे अंधेरा हुआ तो मेरी वाट लगने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे काफी सारी टॉर्चेस लगा देता हूँ। ओके आई थिंक गाइस यहाँ पे काफी सारी टॉर्चेस लग चुकी है और यहाँ पे कहीं भी अब कोई भी मॉब्स स्पॉन नहीं होने वाले हैं। यार मैं शायद लैंड कर सकता था, मुझे एक और रॉकेट अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। इस बार मैं थोड़ा सा ऊपर से जाऊंगा और आराम से लैंड करूंगा। ओके नाइस, तो ये बढ़िया लैंडिंग थी। और गाइस अब मैं यहाँ पे रूफ अपनी बनाना कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे स्मूथ स्टोन के आखिरी दो स्टैक्स हैं और गाइस अभी तक हमारी जो रूफ है वो आधी भी नहीं बनी है। और यहाँ पे शायद मेरे पास काफी सारे स्टोन्स हैं। हाँ तो मैं काम करता हूँ, अपने स्मेल्टर के पास जाके मैं सारे के सारे जितने भी स्टोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं मैं उनको स्मेल्ट करने के लगा देता हूँ और उनसे स्मूथ स्टोन्स बना लेता हूँ। वैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोन्स भी लगाता तो भी चल जाता, बट यार अगर हम लोग यहाँ पे स्मूथ स्टोन्स लगा रहे हैं तो फिर सारे के सारे स्मूथ स्टोन्स होने चाहिए, तभी बढ़िया लगेगा। तो गाइस यहाँ पे अबे अच्छा मैंने सैमन रखी थी, तो यहाँ पे गाइस चारकोल भी नहीं है, तो चारकोल भी मुझे लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले साथ में चारकोल भी ले आता
आता तो अच्छा रहता। आई थिंक इसके अंदर था ऑब्वियसली, मैंने यहाँ पे सारे के सारे लेबल करके रखे हुए हैं। और गाइस मेरे पास काफी सारा चारकोल है, तो चारकोल मैं सारा का सारा यहाँ पे ले जाता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारी यहाँ पे रूफ बन चुकी है, और यहाँ पे मैंने काफी सारी जो टॉर्चेस है उनको भी लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मॉब्स जो है वो स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे, दो तीन बीच में यहाँ पे स्पॉन हुए थे, तो मैंने उनको मार दिया था। और यहाँ पे जो ये हमारे कैट एंड डॉग्स है, इन लोगों ने हमारी ज्यादा हेल्प नहीं करी क्योंकि मैं उनको उठाना भूल गया था। तो गाइस अभी मुझे इसको बनाना है वहां तक, और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो होगी 14। तो यहाँ पे मैंने 1 लगाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और यहाँ पे गाइस जो ये चीज मैं बना रहा हूँ, ये कसम से बहुत ज्यादा, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, ये कसम से बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। और ये हमारे बीच वाला पार्ट है, तो एक बार मैं यहाँ से गिन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे 13 छोड़ना था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके 13 ये था और ये था। अब गाइज इसकी सीध में वो बिल्कुल होना चाहिए, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। गाइज यहाँ पे बनाने से पहले मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब कि हमको कैसे बनाना है, तो इसलिए गाइज कसम से बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो पक्का लाइक कर देना, और गाइज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो गाइज मैंने अभी जस्ट माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया है और मेरे दिमाग में ऑलरेडी काफी खतरनाक वाले आइडियाज आ रखे हैं। अब ये सोचो कि अगर मैं इतना बढ़िया सा कैसल अभी बना रहा हूं, तो आने वाला टाइम में मैं कितनी खतरनाक चीजें बनाऊंगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइस इसलिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी मजेदार चीजें हम लोग बनाने वाले हैं। और ऑलमोस्ट मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, थोड़ा सा दूर। ओके तो एक काम करते हैं, मैं यहीं से शुरू कर देता हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके ये बिल्कुल सही है, मतलब मेरी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी। और गाइस ये वाली जो बॉल है और जो वो वाली बॉल है, मतलब ये वाली, इनकी जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो होगी 5। तो यहाँ पे मैंने 1 तो लगा दिया, अब इसके बाद 2, 3, 4। ओके जो ऊपर वाला होगा उसको मैं बनाऊंगा डीप स्लेट से। तो अभी मुझे बस यहाँ पे ब्रिक्स का यूज करके जो वॉल्स है उनको कंप्लीट करना है। सो गाइस ये चीज मैंने कंप्लीट कर दी, और अभी आपको अच्छे तरीके से शायद समझ रहा है, तो बेसिकली क्या ये यहाँ से यहाँ तक आने वाला है और वो वहां से यहाँ तक आने वाला है। और गाइस जो ये बीच वाला सेक्शन है ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जैसे कि ये उठा हुआ है ना वैसा ही मैं इसको उठाने वाला हूँ, और इसके ऊपर भी गाइस इसी तरीके से डिजाइन रहने वाली है। तो अभी मैं इसको बनाता हूँ, और बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस ये ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, और यहाँ पे बस मुझे एक लैंटर लगा दिया, उसके बाद गाइस मैं यहाँ से नीचे जाके देखने वाला हूँ कि ये वैसा ही लग रहा है जैसा कि मैंने प्लान किया था या थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। गाइस ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ये सच में वैसा ही लग रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। बट अभी रुको, अभी गाइस इसके ऊपर मैं एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज बनाने वाला हूँ, और उससे गाइस हमारा जो कैसल है वो एटलीस्ट 10 times ज्यादा बढ़िया लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको सच में मजा आने वाला है। बट अभी गाइज मुझे एक चीज करनी है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गाइज मैं वो चीज बनाने वाला हूँ। और यहाँ से गाइज देखो फिर से मून आ रहा है, और गाइज हमारा कैसल जो मून लाइट में दिखता है वो कसम से बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे वो वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, और ये हो चुका है फाइनली डन। गाइस इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा पर लेकिन ये फाइनली हो चुका है। और गाइस अब इसके ऊपर मैं एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज बनाने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना है नीचे, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद मुझे चाहिए काफी सारी वुड्स। तो जो वुड थी वो आई थिंक इस पर रखी हुई थी, नोप्स यहाँ पे थी। हाँ तो गाइस यहाँ पे काफी सारी वुड मैंने ले लिया, और गाइस मेरी जो क्राफ्टिंग टेबल है वो वहाँ पे दूर पड़ी हुई है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए काफी सारा चारकोल। तो चारकोल की भी गाइस हमारे पास कोई कमी नहीं है, वैसे कमी हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे कुछ खाने की भी जरूरत है, क्योंकि गाइस मेरा HP देखो कितना कम हो रखा है, 3 हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा अगर थोड़ा सा कम हुआ, मतलब टोटली 3 कम हो गया तो मैं मर जाऊंगा, बेसिक सी बात इतनी सी है। और गाइस अभी यहाँ पे जाके मुझे सबसे पहले बहुत सारी स्टिक्स बनानी है, तो 22 यहाँ पे रखो, 22 यहाँ पे रखो, यहाँ पे काफी सारी स्टिक्स बन चुकी है। और गाइस मुझे बेसिकली यहाँ पे बनानी है कैंप फायर, तो उसके लिए ये सब मैं स्टिक का जुगाड़ कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कैंप फायर। तो कैंप फायर के लिए मुझे, अरे यार ओक लॉक्स चाहिए थे, सॉरी लॉक्स तो लाना भूल ही गया, लॉक्स तो गाइस मेरे पास थे, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे काफी सारी लकड़ी है, मैं जाके तोड़ के आ जाऊंगा। तो यहाँ पे काफी सारे लॉक्स हैं, और गाइस अब मैं यहाँ पे काफी सारी कैंप फायर बना सकता हूँ। ओ 64 बने, मतलब गाइस जरूर से भी ज्यादा मैंने बना लिया। और अब मुझे यहाँ पे जाना है, और आई थिंक मेरे पास यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं वो तो काफी सारे हैं, हाँ तो इतने मेरा काम हो जाएगा। इसके अलावा गाइस मुझे यहाँ पे चाहिए डीप स्लेट के ब्रिक्स, तो वो भी मेरे पास काफी सारे हैं, वैसे गाइस कम पड़ने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं डीप स्लेट के ब्रिक्स यहाँ पे और काफी सारे लेके आता हूँ। मेरे पास गाइस ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, वैसे मुझे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, तो मेरा काम निपट जाएगा आई थिंक। हाँ यार इतने में तो आराम से निपट जाएगा गाइस, मतलब ये पूरा का पूरा भरा हुआ था, और आई थिंक उससे भी ज्यादा था। मैं रॉकेट की जगह कैंप फायर लगा के उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस मेरा दिमाग खराब हो चुका है, कई घंटे से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। गाइस आई थिंक इसके नीचे मॉब स्पॉन रखा है कोई ना कोई, स्केलेटन है ऑब्वियसली, मुझे उसकी आवाज आ गई है। अरे यार इससे जाके फाइट करो, ले मर।
क्रिटिकल हिट चाहिए तेरे को, क्रिटिकल हिट चाहिए, ले बेटा। चल एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन थोड़ी सी कैंडल्स लगा देते हैं, कैंडल्स लगा देते हैं। वाह भाई साहब, कैंडल्स लगा देते हैं, लैंटर लगा देते हैं। गाइस कैंडल मेरे पास अभी तक है भी नहीं माइनक्राफ्ट में, ऐसे कभी ना कभी बनाएंगे, डेकोरेट करने में काफी मस्त ही लगती है। तो अपन यहाँ से उड़ूंगा, ऊपर जाऊंगा, और गाइस अब मैं यहाँ पे जो बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा, मतलब काफी तगड़ा होने वाला है, तो आप बस देखते जाओ। ओके गाइस, तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है, बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे काम करना है, थोड़ी सी थोड़ा सा काम करना है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो, अब आपको मैं सामने से जाके दिखाता हूँ कि ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। अब देखो भाई साहब, और सही टाइम पे गाइस रात हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो तगड़ा वाला नजारा है वो भी देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस, लग रहा है ना मस्त। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से चार बनाने वाला हूँ। तो एक तो मैंने बना लिया, तो वन, इसके बाद टू यहाँ पे, और बाकी जो दो होंगे वो पीछे की तरफ होंगे। और गाइस अभी एक और चीज है जो कि मैं आज रिवील नहीं करने वाला, बट गाइस ये जो हम लोग डिजाइन बना रहे हैं इसके बीच में मैं काफी ज्यादा कुछ तगड़ी वाली चीज बनाने वाला हूँ। और एक काम करता हूँ, रुको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दूर जाता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ, और जल्दी दिखा के भाग लूंगा क्योंकि गाइस यहाँ पे पक्का मॉब स्पॉन होने वाले। अब देखो गाइस कितनी ज्यादा तगड़ी वाली इससे वाइब आ रही है, आ रही है ना, मैंने बोला था ना काफी कूल लगने वाला है। अब गाइस जब ये चारों के चारों बन जाएंगे तो सोचो कि कितने ज्यादा कूल लगेंगे। तो गाइस मैं इसको बनाता हूँ और बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। One eternity later. तो गाइस मैंने इसको बना दिया और अब मैं इसको करने वाला हूँ रिवील, तो रेडी। तो गाइस ये देखो, ये मैं बोल रहा था ये काफी ज्यादा जबरदस्त लगने वाला है। अभी आपको अगर वहां से अच्छा लगा है तो अब यहां से देखो गाइस कितना ज्यादा एपिक वाली वाइब दे रहा है। और अगर मैं आपको इस एंगल दिखाऊंगा गाइस, आई थिंक सबसे ज्यादा मस्त ये इसी एंगल से लगने वाला है। अब बताओ गाइस लग रहा है ना खतरनाक, मतलब अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो देखो गाइस क्या खतरनाक वाली वाइब दे रहा है ये। और ऐसा लग रहा है कि यहां पे भाई साहब कोई बहुत खतरनाक वाला ब्लैक मैजिक होता है या फिर पता नहीं काफी ज्यादा कोई खतरनाक वाली चीज है। ऐसा लग रहा है अब यहां से ड्रैगन निकल के आएगा और हम लोग को उसे फाइट करना पड़ेगा। तो गाइस इतना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, और अगर मैं यहां पे इसके अंदर से उड़ के जाऊंगा तो मैं जलूंगा नहीं। गाइस काफी ज्यादा ऊपर था, मतलब काफी ज्यादा पास था मैं उसके जलने के, मतलब ऑलमोस्ट एक ब्लॉक का डिफरेंस था। ओके ओके गाइस कर पाएंगे, अबे यार हमारा कैसल मस्त लग रहा है, मुझे यहां से जाके राइट टर्न लेना है। कूल मैन, नाइस। तो गाइस ये वाली चीज हमारी काफी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। और गाइस अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो एरिया है, मैं इसको बनाता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई तगड़ी सी डिजाइन देने की सोचता हूँ, और ये करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये मैंने फिनिश कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली मैंने एक रूम क्रिएट किया है जो कि अभी ऑब्वियसली खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे बस जो लैंटर्न्स हैं और जो टॉर्चेस हैं वो लगी हुई हैं जो कि हम लोगों ने पहले लगाई थी। और इस रूम में गाइस दो दरवाजे होने वाले, एक जस्ट सामने और एक यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आयरन का डोर लगाऊं, और यहाँ पे मैं बटन बटन लगाने की सोच रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, और यहाँ पे बाहर भी मेंटेनेंस लगाऊंगा। और गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज और चेंज करी है, जो ये प्लेटफॉर्म था ये थोड़ा सा इस तरफ को था, तो जब वहां से हम लोग देख रहे थे सामने से तो थोड़ा सा वो गड़बड़ लग रहा था। और गाइस जो ये डिजाइन हम लोगों ने ऊपर बनाई है, ये वाला जो पार्ट था बेसिकली थोड़ा सा अंदर की तरफ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया, तो अब ये बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है। अभी आपको दूर से जाके दिखाऊंगा। और गाइस इसकी मैंने हाइट जो है वो भी एक ब्लॉक बढ़ा दी है, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो पहले, तो गाइस ये हल्का सा जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे था, और जो ये प्लेटफॉर्म है ये बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैंने इसको अब बिल्कुल सिमेट्रिकल कर दिया। अब देखो आप बढ़िया लग रहा है जूम करके देखने पे। और गाइस इसके अंदर मैं काफी बेहतरीन वाली चीज बना रहा हूँ, मतलब अभी नहीं बना रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में शायद बनाऊंगा, और मैंने इसको सोच के रखा हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देखने आ जाना, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लो। और गाइस अभी हम लोग इसको बनाने वाले हैं, और पता नहीं मैं नीचे क्यों लैंड किया, यहाँ पे मुझे चिजल ब्लॉक्स लेने जाना था, शायद मेरे पास रखे हुए हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा, जितना मुझे याद है मैंने रखे थे हाँ गाइस पड़े हुए हैं चिजल स्टोन ब्रिक्स। ओके, और इसके अलावा मुझे चाहिए आयरन, आयरन आई थिंक यहाँ पे इसमें था, और आयरन से हम लोग बनाएंगे डोर्स। तो इसके अंदर हाँ 30, अरे 30 तो बहुत है यार, 30 में तो काम हो जाएगा, तो मुझे बेसिकली दो बनाने, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके अबे यार एक ही एक चाहिए था यार, तीन दोर बन जाते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था, रुको रुको रुको। तो मुझे बेसिकली इसको हटाना पड़ेगा, और मैं साथ में रख सकता हूँ, पता नहीं अलग अलग क्यों रख रहा हूँ। तो गाइज मेरे पास तीन दरवाजे बन जाएंगे, इसके अलावा मुझे चाहिए स्टोन, स्टोन तो शायद ये रहा। तो गाइज स्टोन से हम लोग बनाएंगे स्टोन बटन, तो सीधे सीधे बस एक रखो और स्टोन का बटन बन जाएगा। मुझे दो चाहिए, मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ चलो। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चिजल स्टोन ब्रिक्स लगाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा गाइज मेरे पास जो ये टाइल वॉल है, डीप स्लेट टाइल वॉल, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लगा दूंगा लैंटर। तो गाइस काफी कूल लगने वाला है, बढ़िया लग रहा है, आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ओके, और जो हमारे बटन्स हैं उनको गाइस मैं लगा देता हूँ इसके बाजू में, इधर पे, जस्ट इधर पे, और मैंने चार बनाए थे, अच्छा हाँ सॉरी भूल गया था, तो इसको मैं यहाँ से खोलूंगा।
और ये बंद हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। और गाइस सेम तरीके से हम लोग लैंटर्स जो है वो अंदर भी लगाने वाले हैं, तो मस्त लग रहा है ये। अब मैं यहाँ से एक बार बाहर जाके चेक करता हूँ कि सही तरीके से काम कर रहा है। ओके नाइस ब्रो, अबे मेरे को अंदर तो जाने दे भाई। अच्छा एक चीज़ और कर सकता हूँ, नहीं नहीं यार रहने दो, मैं यहाँ पे भी लैंटर्स लगाने की सोचा था बट वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं गाइस उस तरफ भी जाके यही सेम चीज़ क्रिएट करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये भी बन चुका है, और इस रूम के अंदर मुझे क्या बनाना चाहिए ये आप लोग मुझे आइडिया दे देना, कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। और गाइस अब क्या बचा हुआ है, हम लोगों ने सारा का सारा जो यहाँ पे कैसल उसको बना दिया। अच्छा ओके ओके ओके, मुझे अपना जो गेट है इसको तो अभी बनाना था, तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ बढ़िया सा लुक क्रिएट करने की सोचता हूँ। अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ले जाऊँगा और सेम तरीके से, अच्छा ये काम कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। नहीं यार देखो मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ चीज़, अगर अच्छा बन गया तो मज़ा आ जाएगा, अगर बुरा बना तो पता नहीं गाइस क्या होगा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ और यहाँ पे इसको मैं आगे ले जाऊँ और थोड़ा सा और आगे, एंड देन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये ठीक लग रहा है। अच्छा हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर चिजल स्टोन ब्रिक्स लगाएंगे तो गाइस काफ़ी बढ़िया सी डिज़ाइन आ सकती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे बेसिकली मैंने लाइटें लगाई थी वैसे यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे मैंने वॉल्स लगा के 2 लाइटें लगा दी हैं। ओके तो ये हो चुका है, और गाइस अब जो हमारे ये सारे के सारे एनिमल्स हैं इन सब के लिए भी मुझे कुछ बढ़िया सा बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसके ऊपर कुछ बनाना है, इसके अंदर की डेकोरेशन करनी है, और पता नहीं क्या क्या करना है। तो गाइस अगर आपको हमारा जो कैसल है वो पसंद आया हो, ये हमारा पहला घर था, उसके बाद दूसरा घर मैंने तोड़ दिया और ये मेरा थर्ड घर है। तो गाइस अगर आपको हमारा बढ़िया सा जो कैसल है वो पसंद आया हो तो बताना यहाँ पे जाके, घर मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ से ऐसा दिख रहा है, अच्छा हाँ पीछे से तो मैंने आपको दिखाई नहीं, अब देखो गाइस मस्त वाला लुक आ रहा है ना, मतलब जो ये चीज मैंने क्रिएट करी उसकी वजह से ये और बढ़िया लग रहा है, और जो इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ जब वो बन जाएगा उसके बाद तो गाइस और ज्यादा मस्त लगने वाला है। थोड़ा सा और दूर जाता हूँ मैं, लग रहा है ना मस्त। अच्छा एक चीज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, वही वाली चीज, वही जो मेरी फेवरेट चीज है। यार ट्राई तो करूंगा, मैं ट्राई तो करूंगा, मैं नहीं मानने वाला गाइस, मैं अपने घर में ऐसे ही आया करूंगा, सॉरी अपने कैसल में मैं ऐसे ही आया करूंगा। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, अगर आपको पता इतना बढ़िया वाला जो कैसल है वो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस बहुत बढ़िया सी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।